Good morning, I am Mrs. Archana Dixit. Welcome to Lockdown Yoga. आज का जो योगा सेशन है वो हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, अपना जो शरीर है ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने के लिए क्या करना चाहिए, तो कौन से आसन करने चाहिए, तो वो आसन आज हम करेंगे, ठीक है। बट एज यूजुअल विल स्टार्ट विथ ओंकार। थ्री टाइम्स ओंकार एंड फोर्थ टाइम विल बी ओम शांति 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 बट विद अ पॉजिटिव एनर्जी। सिट सिट स्ट्रेट, your back should be straight, close your eyes, smile on your face, three times, deep breathe in and out, second time, third time. Get ready for Omkar. Vibrations of Omkar in and around you. Feel the freshness and feel the positive energy. Rub your palms, keep it on your face. Open your eyes, spread the energy all over. Very nice. As usual, we'll start with spot jogging. And then spot jogging, why do I tell you spot jogging? Because थोड़ा सा उससे warm up हो जाता है आपका, तो आपकी body तैयार होती है आगे की exercise करने के लिए. And that's the reason I suggest you all to do a little bit of spot jogging first. और जो या तो कुछ नहीं तो सूक्ष्म व्यायाम करो. बट आई बिलीव, मतलब ये मेरा ओपिनियन है कि स्पोर्ट जॉगिंग करोगे तो योर बॉडी विल बी रेडी, वार्म अप हो जाएगा अच्छे से और आगे के आसन कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट विद स्पोर्ट जॉगिंग, स्टार्ट विद स्लो जॉगिंग और धीरे धीरे आपको अपने स्पीड को बढ़ाना है। इसमें अगर आप हाथ ऊपर रख के करना चाहते हो तो भी चलेगा, इट्स गुड फॉर कार्डियो। Or is keep your hands like this and do this for jogging. Try to increase the speed. Slowly increase the speed. Keep doing it. If you do it for 5 to 10 minutes, it's really good. उससे ही काफी पसीने छूट जाते हैं. So keep doing it. And try to do the normal and slow breathing and out, which is a little difficult. Try karne mein kya jata hai. Even try to take your stomach inside. And now, slow down. 5 se 10 minute baat karke phir slow down karna hai. ये मैं आपके लिए अभी स्लो डाउन कर रही हूँ, बट आप अगर घर पे करते हो
So do it for 5 to 10 minutes. Very nice. And stop as usual. Stand straight. Close your eyes. Your mouth should be closed. And give relaxation to your body. Take a deep breath in. Breathe out slowly. One more time. Last time. Open your eyes. Gaitaka, get ready for flexible asanas. अभी हम जैसे मैंने पहले ही कहा है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आसन करेंगे अपने शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी और बढ़ने के लिए जो आसन करेंगे वो अभी मैं दिखाने जा रही हूँ सो ट्राई टू टेक अ सेफ डिस्टेंस इन योर लेग्स उससे ज़्यादा मत लीजिए अगर ले सकते हो तो लीजिए बट वही है बी केयरफुल वरना पैर अगर फिसल जाएंगे तो यू विल हर्ट योर सेल्फ ठीक है दैट्स द रीजन आई एम टेलिंग यू टेक अ सेफ डिस्टेंस ओके स्टैंड स्ट्रेट And hands up, breathe in. When I say hands down, breathe out करके नीचे जाना है But अगर आप यहां तक पहुंचते हो तो भी ठीक है But ऊपर के हाथ की तरफ देखना है ठीक है I will do it. And go down, try to touch your toes. And ऊपर की हाथ की तरफ स्माइल करके देखना है एडमायर योर नेल्स एडमायर योर हैंड ट्राई टू ग्रो एज मच डाउन एज पॉसिबल एज यू ब्रीथ आउट अगेन ब्रीथ इन ब्रीथ आउट दूसरी तरफ जाना है मैंने जैसे कहा है नॉट नेसेसरी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होती हो आप अगर यहां तक भी पहुंचते हो तो भी कीजिए और ऊपर की हाथ की तरफ देखना है पर यदि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो आप यहां तक जा सकते हो और ऊपर के हाथ को एडमायर कर सकते हो 1 2 3 4 5 वेरी नाइस डू इट वन मोर टाइम ओके ऊपर का हाथ सीधा होना चाहिए ऐसे नहीं कि ऐसे ही पड़ ये है जस्ट ट्राई टू कीप इट स्ट्रेट Knee, you are not supposed to bend your knee. Knee should be straight. And smile on your face. Come up. Another side. Okay. Very nice. इसके बाद flexibility के लिए और एक आसन करना है. You can turn or you can be in the same position. I am turning to show you the exact position. कैसे लेनी है इसलिए मैं turn होके आपको ये next position दिखाऊंगी Get ready. When I say as usual, breathe in, up, breathe out, bend down, try to touch your toes और अगर पैर को hold करके घुटनों के पास आपका सर लेके जा सकते हो will be really good but you are not supposed to bend your knees knees should be straight and bend down breathe in hands down we'll do it one more time breathe in breathe out अगर आप यहां तक पहुंचते हो तो भी चलेगा धीरे धीरे आपका शरीर जितना आप कोशिश करोगे जितना आप ये एक्सरसाइज ये आसनास करोगे उतना आपका शरीर फ्लेक्सिबल होता जाता है फर्स्ट इसमें जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था तब नहीं हुआ था ठीक है सो डोंट वरी धीरे धीरे आपका शरीर फ्लेक्सिबल हो जाएगा आई विल डू इट वन मोर टाइम ब्रीद इन ब्रीद आउट Breathe in, hands down.
फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और एक आसन है, उसके लिए भी पैर में सेफ डिस्टेंस लेना है. एंड ब्रीथ इन, हैंड्स अप एंड गो डाउन. ट्राई टू टच योर हेड ऑन द ग्राउंड, होल्ड इट फॉर सम टाइम. Your knees should be straight, hands on the ground. You're not supposed to bend your knees like this. Knees should be straight. Hold it for some time. And slowly, very slowly, come up with breathe in. Hands down, we'll do it one more time. Breathe in. Breathe out. अगर आप और डिस्टेंस ले सकते हो पैर में तो भी ठीक है, बट एज आई से प्लीज बी सेफ, डोंट हर्ट योर सेल्फ. स्लोली ऊपर आना है, ब्रीदिंग करके स्लोली, वेरी स्लोली, हैंड्स डाउन. अभी कुछ आसन बैठ के हम करेंगे, विच इज गुड फॉर योर फ्लेक्सिबिलिटी. सिट, सिट स्ट्रेट. ऑलवेज रिमेम्बर, आपका जो बैक बोन्स है, आपके जो बैक बोन्स है, हैज टू बी स्ट्रेट. ये है, अभी हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन. ब्रीथ इन, ब्रीद आउट. यहां में भी आप अगर यही पहुंच सकते हो तो भी चलेगा. धीरे धीरे आपका, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जैसे बढ़ेगी आप इसका नेक्स्ट पोज ले सकते हो. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. ट्राई टू होल्ड योर फिट एंड ट्राई टू टच योर हेड ऑन योर नीज. इसमें आप, यू आर नॉट गोइंग टू बेंड योर नीज, यू हैव टू कीप योर नीज ऑन द ग्राउंड एंड देन ओनली टच योर फोरहेड on your knees. Very good. And slowly breathe in, come up. Hands down, we'll do it one more time. Breathe in, smile on your face, breathe out, hold your feet and go down. Slowly come up, hands down. इसके बाद हम करेंगे आकर धनुरासन. मतलब आपके, मैं दिखाती हूँ, आपके पैरों को आपको पकड़ना है और एक पैर को कर्ण, मतलब कान, इट्स अ संस्कृत वर्ड, सो आपके कान तक लेके आना है, जैसे आप अपने शरीर का धनुष बना रहे हो. ओके, सो गेट रेडी फॉर दैट आसन. एक पैर का अंगूठा पकड़ो, दूसरे पैर का अंगूठा पकड़ के जस्ट उसको धनुष की तरह खींचते रहो अपने कान की तरफ. बट एज आई से दूसरे पैर का नी बेंड नहीं करना है. कीप इट स्ट्रेट एंड लुक स्ट्रेट. दिस इज, ऑल दीज आसनास आर गुड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी ऑल्सो. और जहां जहां आपको स्ट्रेस आ रहा है वहां पे भी इट इज गुड फॉर दैट फैट, टू बर्न दोज फैट. ओके, नाउ विथ अनदर हैंड होल्ड इट, दूसरे पैर को ऊपर की तरफ खींचना है एंड होल्ड इट फॉर सम टाइम. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड स्लोली यू हैव टू कीप इट बैक. पैर को एकदम से छोड़ना नहीं, पैर को झटका नहीं लगना चाहिए, वरना यू विल हर्ट योर सेल्फ. सो आई विल डू इट वन मोर टाइम फॉर यू. होल्ड इट और धनुष को खींचना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 स्लोली डाउन. वन मोर टाइम विद अनदर लेग. होल्ड इट लाइक दिस एंड खींचो. 1, 2, 3 नीचे नहीं झुकना है, यू हैव टू सिट स्ट्रेट और पैर को अपने तरफ खींचना है जितना हो सके. 8, 9, 10
and on the ground. Now we'll lie down and do few asanas. Ya to agar baith ke aap kar sakte ho, bend your leg like this. Dusra pair seedha hai aur dheere dheere aapko sharir ko niche rakhna hai. And stay in this pose for some time. Is pair ka jo knee hai wo niche tikane ki koshish karni hai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Release this pose. Take it with another leg. Bend it. Keep it on the ground. Try to touch and knees and thighs on the ground. Dusra pair seedha rakhna hai, dusra pair aisa ya aisa nahi rakhna hai. Keep it straight. Hands up. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Straight. Now we'll do it with both the legs folded like this. Agar aap ground pe aise baith sakte ho, zameen pe baithne ki koshish karna, and dheere dheere slowly you have to go down on the ground. Just be careful, don't hurt yourself. And stay in this pose for some time. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. And very slowly we are going to come up. Very slowly. We'll take another pose. Fold your left leg and keep it here. Right side ke, right leg ke side mein rakhna hai. And right hand up. Aur wo left leg ko push karke right leg ko pakad raha hai. And left hand like this. Look back. Sit straight. Don't bend your knees. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Right hand nikalna hai, niche rakhna hai aur left leg ko seedha karna hai. We'll do the same position with our right leg. Right leg ko utha ke left leg ke us taraf rakhna hai. Left hand up, right leg, left hand, and push it that side. Hold your left leg and right leg like this and look back with a smile. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. And leave the position slowly. Take out your left hand on the ground, right leg on the ground. Do some sukshma vyayam. Thoda sa pairon ko sukshma vyayam karana hai. Ye ho gaya hamare aaj hamari sharir ki flexibility badhane ke liye. जो आसनास हम कर सकते हैं वो करेंगे, और वो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ हम उस हर एक अवयव का के जो फैट्स है वो भी हम बर्न करने की कोशिश कर रहे थे. ओके, नाउ गेट रेडी फॉर ओंकार. एज आई ऑलवेज से, 3 times डीप ब्रीथ इन एंड आउट एंड देन स्टार्ट. गेट रेडी फॉर ओंकार. सिट स्ट्रेट. Take a deep breath in. One more time. One last time, deep breath.
Get ready for Omkar. To the normal and slow breath in and out. Just sit quietly for a few minutes to feel the Omkar. Try to remember all the asanas we have done today. Shuru se leke ant tak aaj humne jo jo asan kiye hai उनको याद करना है. सबसे पहले कौन सा किया था? जितना आप याद करने की कोशिश करोगे उतना ही आपकी स्मरण शक्ति के लिए बहुत अच्छा है. तो शुरू से लेके अंत तक सारे आसनास याद करने की कोशिश कीजिए. And then feel the calmness and the freshness in and around you. Very slowly rub your palms. Keep it on your face. Open your eyes slowly inside those palms. Spread that energy all over your body. Dhanyavaad.